हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि। आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स, जो एक लर्निंग चैनल है जहाँ पे आपको डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एनालिसिस वीडियो, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स, इंट्राडे स्टॉक्स डेली के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए और कुछ मल्टीबैगर स्टॉक्स जो होते हैं उसको हम फाइंड आउट करके एनालिसिस वीडियो बनाते हैं। और स्पेशली जो है ये चैनल जो है लर्निंग पर्पज़ के लिए हमारा है। तो आप जो है यहाँ पे वीडियो अगर पहली बार देख रहे हो और चैनल पे अगर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, तो आने वाली वीडियो में जो है आपको ज़्यादा जो है पूरा जो भी आप एनालिसिस चाहते हैं उस स्टॉक का तो आपको मिल सके। तो आज हम एक और नया वाला स्टॉक जो है, नया मतलब ऑटो इंडस्ट्री का जो स्टॉक है, ऑटो कंपोनेंट्स जो बनाती है कंपनी, उसका जो स्विंग ट्रेड के लिए हम ये एनालिसिस करने वाले हैं कि उसके इम्पोर्टेंट लेवल क्या होने वाले हैं और उसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं आने वाले साल में 2024 का। ये जो है बहुत ही बेहतरीन स्टॉक होने वाला है जो काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है। और ये डिस्क्लेमर दे दूं पहले कि ये जो मैं एनालिसिस या जो भी बता रहा हूँ लेवल्स, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप इसे बाय सेल का रिकमेंडेशन मत समझिए, क्योंकि ये सिर्फ एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरा एनालिसिस है जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कि मुझे इम्पोर्टेंट लगता है आपके लर्निंग पर्पज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे जो है हम चैनल पे देखिए, मैंने वेरॉक इंजीनियरिंग अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक दिया है, 5 तारीख के आज ही दिया है। ट्राइडेंट के मैंने एनालिसिस किया है, हैप्पीएस माइंड का किया है, आईएक्स का किया है और ये जो मरीन इलेक्ट्रिकल्स है इसके भी मैंने लेवल्स प्रोवाइड किए हुए हैं। आपको अगर वो वीडियो देखने हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जो बाइंग के लिए है, तो वो जाके आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैं एंड स्क्रीन में या आई बटन में इसका लिंक मैं दे दूंगा। तो और ये वाला जो है मेरा ये जो चैनल है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप अगर जुड़ना चाहते हो ऐसे ही नए वीडियोस के लिए, हर 2 दिन में हम एक वीडियो डालते हैं। स्पेशल वीडियो जो है स्पेशल होते हैं क्योंकि जो हमने पीछे इसके पहले मैंने जो शेयर किए हैं अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, तो काफ़ी अच्छे हिट हुए हैं। मैं आपको उसमें से एक दिखा देता हूँ। एक बार मैंने यहाँ पे ऊनो मिंडा जो है वो भी एक ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है, मैंने उसका शेयर किया था चार्ट। ये देखिए, अगर आप इसका डेट देखेंगे तो ये देखिए नवंबर 23 जो है 2023 नवंबर में मैंने इसका एनालिसिस करके ये अपना टेलीग्राम चैनल पे मैंने ये स्विंग ट्रेड दिया था बाइंग के लिए। तो ये आप देख सकते हो मैंने दिया था स्विंग ट्रेड बाय एट 620 से लेके 630, टारगेट 780 दिया था फर्स्ट टारगेट, टारगेट 2870, टारगेट 3930, टारगेट 4130 का दिया था। डेट डाला हुआ है 18/11/2023 को। और अभी अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये कहाँ पे चल रहा है अभी आज की तारीख में। तो आप देख सकते हो, ये देखिए आज तारीख है 5 जनवरी है आज, और मैंने 18/11 को दिया हुआ था वो स्टॉक। और आप देख सकते हो यहाँ पे उसने लगभग अभी 700 का हाई कितना लगा है इसने, 707 का हाई लगा चुका है अभी तक। और अगर आप देखेंगे, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये पैटर्न मुझे फाइंड आउट किया था मैंने, ये पैटर्न ये वाला जो है, ये देखिए आप, इसके मैंने पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, कहाँ पे बाइंग करना है, कहाँ पे आपका इसका टारगेट है। तो ये मेरा फेवरेट पैटर्न है ये वाला, जो ये पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था और रिटेस्ट भी हो गया और ये अभी अपर साइड मोमेंटम कर रहा है। वीकली में एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, तो देखिए वीकली में कितना बढ़िया चार्ट दिख रहा है देखो। तो मैंने ये इसके बाइंग लेवल दिए हुए थे यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, तारीख भी डाला हुआ है और अभी आप देख सकते हो ये कहाँ पे चल रहा है, 707 का हाई लगा चुका है और इसने जो मैंने बाइंग प्राइस दिया था 620 से लेके 630, तो यहाँ पे
इस कैंडल का लो अगर देखेंगे आप यहाँ पे अगर लो देखेंगे इस कैंडल का, तो देखिए 629 जो लो लगाया था मैंने, 620 या 630 का बाइंग दिया था, ये दोनों लेवल दिए थे मैंने बाइंग के। तो इसने एंट्री भी परफेक्ट दिया था, रिटेस्ट पे एंट्री दिया था, और उसके बाद में अगर देखेंगे आप 630 से लेके अभी 707 का हाई लगा चुका है, मतलब 70 रुपये से 77 रुपीज़ से 77 रुपीज़ इसने अभी तक इसका गेन हुआ है, और अभी भी ये बुलिश मोड में चल रहा है। तो चलिए अभी आज के जो हमारा टॉपिक है, जो स्टॉक है, मैं आपको बताता हूँ, सोना कॉम्स जो है, मैंने ये निकाला हुआ है सोना कॉम, इसका भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त एक पैटर्न मुझे दिख रहा है इसमें, तो मैं ये पैटर्न आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और इसका एनालिसिस हम करने वाले हैं, और कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है, इसका होल्डिंग पीरियड कितना रहेगा, और ये कौन से लेवल पे आप बाय कर सकते हो, ये सब मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वीडियो में। अगर आप देखेंगे पहला पॉइंट, तो यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुआ है 2023 मई में, तो यहाँ पे एक वॉल्यूम अच्छा खासा दिख रहा है, और ये जो इसका अप मूव आया है, इसका जो रिट्रेसमेंट लेवल है, ये भी मैंने मार्क करके रखा हुआ है, तो आपको अभी तक यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा होगा कि क्या पैटर्न बन रहा है, तो मैं आपको ये मैंने हाइड करके रखा हुआ है। तो अभी देखिए आप, ये जो पैटर्न है ये ABCD पैटर्न है, ABCD आया मेरे मुंह में, तो ABCD पैटर्न जो है ये इसका रिट्रेसमेंट लेवल था, और यहाँ से जो है ये वाला 958 का मैंने टारगेट निकाला हुआ है। तो वीकली में एक बार देख लेते हैं तो आपको क्लियरली चार्ट में समझ में आएगा। तो ये वाला जो है, इसका जो बाइंग लेवल होने वाला है आपके लिए, तो ये मैं मार्क कर देता हूँ, एक बार प्राइस लेवल लगा देता हूँ, ये एक बाइंग लेवल होने वाला है 490 का, और अभी जो है यहाँ पे आप रिसेंटली जो हाई लगा चुका है ये वाला, अभी तो क्लोजिंग जो है आज का 647 का दिया है, तो आप जो है इसको अभी इसी प्राइस पे जो है थोड़ा सा मतलब जितना क्वांटिटी आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए या थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए, मैं इसको आप एक साल के लिए होल्ड करो ऐसा प्रीफर करूँगा, क्योंकि ये वाला जो टारगेट है ये बहुत ही अच्छा टारगेट आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलने वाला है अगर आप कम से कम एक साल के लिए होल्ड करते हो, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए। अगर स्विंग करना चाहते हो तो स्विंग के लिए भी टारगेट मैं बताऊँगा कौन से, रिसेंटली आप 2-3-4 महीने के लिए जो टारगेट मिलेंगे आपको वो कौन से मिलने वाले हैं, मैं आपको एनालिसिस में बताऊंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं ये रेफ़र करूंगा आपको, जो इसका बाइंग प्राइस रहेगा आप यहाँ पे 645 जो है यहाँ पे कुछ क्वांटिटी, आधा क्वांटिटी आप बाय कर सकते हो, और जब ये फिर से एक बार रिटेस्ट के लिए आएगा लगभग 600 के आसपास, मैं लेवल मार्क कर देता हूँ, ये वाला जो हाई है ये वाला 600 के आसपास जब भी आपको मिलेगा, मैं इसको भी प्राइस लेवल लगा देता हूँ, ये 600 मतलब यहाँ पे जो अभी ब्रेकआउट दिया है, अगर ये वाला पैटर्न देखेंगे आप यहाँ पे, ये वाला जो रेजिस्टेंस था 490 का, तो ये वाला एक्चुअली बाइंग प्राइस था, लेकिन अभी ऊपर निकल चुका है, तो ठीक है कोई बात नहीं है, थोड़ा सा महंगा लेना पड़ेगा, तो आप 600 के लेवल पे इस पे बाय कर सकते हो, और 600 के नीचे अगर कुछ आता है तो 490 के आसपास या 480 के आसपास जो है आप 530 से लेके 500 की लेवल जो है यहाँ पे आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हो, या इसे यहाँ पे एक बार बाई कर सकते हो, आधा क्वांटिटी आप यहाँ यही बाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से भी सीधा ऊपर निकल सकता है, तो हाथ में शायद ही आए। और इसका RSI भी अगर देखेंगे आप तो 60 के अबव चल रहा है अभी, 60 लगभग 60 ही चल रहा है, तो ये यहाँ तक एक बार टच कर सकता है 80 का जो लेवल होता है RSI का अपर साइड का, तो ये बुलिश मोड में मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम आप चेक करेंगे ये वाला, यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए वॉल्यूम भी अच्छा खासा जनरेट हुआ है यहाँ पे, तो आप इसे जो है बाइंग प्राइस जो है 500 से लेके 530 आपको जब भी मिलेगा, तो आप यहाँ पे आधा क्वांटिटी और ऐड कर सकते हो। अब जब भी यहाँ पे आधा क्वांटिटी लेना है आपको,
सीएमपी जो है 645 से लेके 47, और जब यहाँ पे आपको एक डिप मिले तो डिप में भी आप इसे बाय कर सकते हो, जो कि पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है डिप मिलेगा, तो फिर भी अगर मिलता ही है 530 500 से लेके 530 के लेवल पे, तो आप यहाँ पे इसको एक बार और आधा क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, तो आपका अच्छा खासा एवरेज हो जाएगा और यहाँ से ये अपर साइड के लिए निकल सकता है। और शॉर्ट टर्म स्विंग के अगर मैं बात करूँ तो आपका फर्स्ट टारगेट जो है ये होने वाला है 700 का। मैं इसे भी एक बार प्राइस लेवल लगा देता हूँ, ये वाला आपका 500 सॉरी 700 का ये टारगेट होने वाला है आपका। ये फर्स्ट टारगेट होगा आपका शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए। सेकंड टारगेट में एक बार इसको लगा देता हूँ यहाँ पे, सेकंड टारगेट जो होगा आपका 763 का आपका लेवल निकल के आ रहा है, जो कि आपका सेकंड टारगेट होगा। एक मिनट, प्राइस लेवल क्यों नहीं आ गया। 760 का आपका सेकंड टारगेट होगा, और उसका ये वाला जो हाई है ये होगा आपका थर्ड टारगेट। और इसके आगे अगर ब्रेकआउट मिलने के बाद ये वाला थर्ड टारगेट जो है 840 का होगा आपका। अगर इसके ऊपर अपना ऑल टाइम हाई अगर निकालता है, जो कि मुझे लग रहा है निकलने ही वाला है, क्योंकि ये वाला जो है एक्स ए बी सी सॉरी ए बी सी डी जो पैटर्न है उसका जो टारगेट है फाइनल टारगेट जो है 958 का निकल के आ रहा है, तो आप इस टारगेट के लिए भी वेट कर सकते हो। अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी आपका है स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो, तो आप इसे लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये वाला बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला है। और ये जो इसका कंसोलिडेशन था मंथली, अगर मैं कैंडल लगाऊं और आपको दिखाऊं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो कंसोलिडेशन इसका ब्रेकआउट हुआ है अभी, काफ़ी अच्छा खासा जो मंथली कैंडल है हमें काफ़ी अच्छा क्लोजिंग मिला है यहाँ पे। ये वाला कैंडल अगर देखेंगे आप दिसंबर 2023 का, तो ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें मिला है, जो कि कंसोलिडेशन जो 2022 से लेके 24-23 तक, तो मतलब 1 साल का जो कंसोलिडेशन है, तो इसको कहीं ना कहीं ये कैंडल से ब्रेकआउट मिला है, तो ये काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है। और यहाँ पे हो सकता है एक बार यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आए, जो मैंने आपको लेवल दिया हुआ है 600 का भी, या 530 से लेके 500 का। 500 तो मुश्किल है आना, लेकिन 600 या 550 तक एक बार ये आ सकता है, जो कि ये वाले लेवल मैंने आपको प्रोवाइड किया है, तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाला एक मल्टीबैगर स्टॉक आपके लिए बन सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो इसे, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसे अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखें, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाला स्टॉक हमें दिख रहा है। जहाँ तक मुझे चार्ट दिख रहा है तो काफ़ी अच्छा बुलिश मूव अब यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए इस स्टॉक में, सोना प्रिसीजन में, जो कि एक कंपनी जो है ऑटो पार्ट्स बनाती है। तो इसके फंडामेंटल्स अगर आप चाहिए तो मैं फंडामेंटली भी इसका एनालिसिस आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। तो आपको ये स्टॉक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो ऐसे एनालिसिस वीडियोस में लाता रहूँगा आपके लिए। अगर आपको किसी स्टॉक का एनालिसिस अगर चाहिए, कुछ किसी का किसी स्टॉक का बाइंग लेवल चाहिए, स्टॉप लॉस चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो मैं उसका वीडियोस जो है आपके लिए बना दूँगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और टीम गोल्डन बुश को ग्रो करने में मदद कीजिए। और यहाँ पे आपको जो राइट हैंड कॉर्नर में ये क्यूआर कोड जो दिख रहा है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, जो आप अपने मोबाइल से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधे ही अपने मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको डेली निफ्टी बैंक निफ्टी के जो लेवल्स होते हैं, कुछ कॉल्स होते हैं जो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं, वो मैं डेली प्रोवाइड करता हूँ लाइव मार्केट में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगले ऐसे एक धमाकेदार स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक में, या कोई मल्टीबैगर स्टॉक है तो उसका मैं वीडियो लाने वाला हूँ जल्दी ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।